फ्रेंड्स, आपने मेथी के या पालक के पराठे तो खाए होंगे, पनीर के पराठे, पालक मेथी के पराठे, लेकिन बाजरी, ज्वारी, मकई के पराठे कभी नहीं खाए होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बाजरी के आटे के पराठे और डोसे। तो उसके लिए मैंने 2 कटोरी बाजरी का आटा लिया था और अभी मैं उसका मसाला तैयार कर रही हूँ। तो पैन में मैंने तेल डाला है, उसमें एकदम बारीक चॉपकी हुई गाजर डाली और ये गोभी डाली है मैंने, पत्ता गोभी, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया था। ये शिमला मिर्च है, आप चाहे जितनी वेजिटेबल्स इसमें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा स्वाद आता है। ये स्प्रिंग ऑनियन है जो मैंने इसको भी कट कर लिया था। मैंने गाजर इसलिए जल्दी डाली क्योंकि वो थोड़ी कड़क होती है तो उसको सीखने में टाइम लगता है, तो मैंने ये शिमला मिर्च भी डाल दी है। सबको एकदम बारीक काटना है, एकदम बारीक कट करना है। ये ग्रीन लहसुन है, ये भी मैंने 3 ये ले लिए थे लहसुन, तो ये भी मैंने डाले। इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका और स्मेल भी अभी इतनी अच्छी आ रही है तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ये एक बड़े साइज़ का टमाटर है तो इसको भी कट करके मैंने डाल दिया है। अभी इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि सेकना तो है हमको, ये मसाले को अच्छे से पकाना है। तो मैंने ये डाल दिया है। अभी तीखा करने के लिए मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ और ये धनिया पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है। ये स्वाद के अनुसार नमक है, आपको अगर ग्रीन मिर्ची डालनी है तो आप वो भी अच्छे से बारीक करके वो डाल सकते हैं उसमें, ग्रीन मिर्ची तीखी वाली। तो मैंने तो लाल मिर्ची पाउडर का यूज़ किया है और आप चाहे तो इसमें आप गरम मसाला या फिर पाव भाजी मसाला, ये मसाले भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने लास्ट में स्किप हो गया था मेरे से, तो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है इसमें, आधा चम्मच। ये है बारीक कटी हुई कोथमीर और ये पालक है जो 1 कटोरी मैंने लिया है। तो ये जो पराठे हम बनाएंगे ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है फ्रेंड्स। इसमें वेजिटेबल्स और चाहे तो आजकल मटर बहुत अच्छे मिल रहे हैं, हरे मटर है, फिर ब्रोकली है, उसको भी आप बारीक करके डाल सकते हैं। तो मैंने ये सब सब्जियाँ इसमें डाल दी है और थोड़ा पानी डाल के इनको अच्छे से पकने देंगे क्योंकि ये पतला होना चाहिए तभी बाजरी का ये पराठा बनेगा। क्योंकि उसको मैं हाथ से बना रही हूँ, बेल के नहीं बना रही हूँ क्योंकि वो इजीली हाथ से बन जाता है। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा पलेथन सूखा आटा रहता है ना, वो लगा के आप बेल भी सकते हैं या फिर प्लास्टिक बिछा के उस पे आप रख के, लोई रख के और ऊपर प्लास्टिक रख के हाथ से भी प्रेस करके उसको बना सकते हैं। तो मैंने ये मसाला मेरा रेडी हो गया है इसका। अभी मैं इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत गर्म है तो मैं इसको आटे में एकदम से मिक्स नहीं करूँगी, हाथ से मिक्स करना है तो हाथ में लग जाएगा, जल जाएंगे। तो मैं इसमें निकाल के इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद मैं आटे में मिक्स करूँगी। वो ठंडा हो चुका है थोड़ा सा, अभी मैंने आटे में स्वाद अनुसार नमक डाला है। अभी ये पूरा मसाला मैं ये आटे में, बाजरी के आटे में डाल रही हूँ। ये देखिए पूरा डाल के उसको अच्छे से, हम जैसे गेहूं का आटा कैसे गूंद देते हैं वैसा ही इसको भी करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको तब तक मिक्स करते रहना जब तक ये हमको बराबर नहीं लगे कि पानी कितना चाहिए इसमें। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और आपको जितना गीला चाहिए आप उतना, कि हाथ से आपको बनाना है तो उस हिसाब से या फिर बेल के बनाना है उस हिसाब से। ये इजीली बेलन से भी बेलने को हो जाती है चपाती पराठे, तो आप इसको प्लास्टिक पे रख के बेलन से बेलेंगे या हाथ से प्रेस करेंगे बहुत इजीली बनेंगे। ये देखिए मैंने एक छोटा सा लोई ले लिया है इसका और मैं हाथ से ही बना रही हूँ। जैसे मैंने मकई की रोटी, एक वीडियो मैंने डाला था मकई की रोटी, तो ये मैं हाथ से इसको बना रही हूँ। थोड़ा थोड़ा हाथ में पानी लगा लगा के बनाना है क्योंकि ये आटा हाथ में बहुत ज़्यादा चिपकता है और मेरे भी हाथ में चिपक रहा था। साइड से इसके कोर दबाते दबाते हमको एकदम पतला सा, हम गेहूं का पराठा कैसे बनाते हैं, मेथी का पराठा, पालक का पराठा, ये देखिए एकदम पतला बन चुका है। अच्छे से प्रेस करके बनाएंगे, बन जाता है। अभी मैंने वही पैन में तेल डाला है 1 चम्मच
आप चाहे तो, मैं यहाँ तेल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं या बटर भी लगा सकते हैं। तो मैंने तेल डाला है और अभी मैं ये बाजरी का थेपला, इसमें पराठा, इसमें मैंने डाल दिया है। इनको हम दूसरे पराठे बनाते हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है सीखने में, तो इसके ऊपर भी मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। उसको अच्छे से फैला देना है और ये पलटते हुए अच्छे से, ये स्पैचुला से दबाते हुए इसको सेकना है, तो ये जल्दी सीख जाता है। ये देखिए एकदम हम जैसे मेथी का गेहूं के आटे में बनाते ना, वैसा पराठे बन गए हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। आप दही सॉस या जो मैंने चटनी बनाई है, एक स्पेशल चटनी बनाई है, उसके साथ भी आप खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये पराठे। ये देखिए मैं दूसरा भी मैंने हाथ से ही बनाया है, ऐसे ही मैंने सब बनाए थे पराठे इसके, बाजरे के आटे के, जो कभी किसी ने बनाए नहीं होंगे ऐसा लगता है। फ्रेंड्स मैं आपको याद दिला दूं कि अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अभी थोड़ा सा वही घोल मैंने ले लिया था, उसमें पानी डाल के मैंने एकदम पतला कर दिया पानी जैसा, और पैन में तेल डाल के, और ये देखिए एकदम डोसा, इसका डोसा भी बहुत अच्छा लग रहा था। इस पे भी आप बटर लगा सकते हैं या घी लगा सकते हैं, मैंने तेल ही यूज़ किया है। ये देखिए एक छोटा और बना के बता रही हूँ, ये डोसा भी इजीली बन जाता है और बहुत क्रिस्पी था, बहुत टेस्टी था ये। तो आप भी प्लीज़ घर में ट्राई कीजिए एक बार ये रेसिपी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, टेस्टी तो है ही लेकिन हेल्दी भी बहुत है। अभी मैं ये चटनी बना रही हूँ, तो इसमें मैंने ये एक पेरू ले लिया है, उसको आधा कट किया है, क्योंकि मेरे घर में हम 2 ही जन खाने वाले हैं तो ज़्यादा नहीं चाहिए। और 3 हरी मिर्ची लिए तीखी वाली, ये ग्रीन लहसुन जो मैंने काट के रखा था, ये कड़ी पत्ता लिया है और स्वाद अनुसार नमक लिया है। मैंने बीच में इसमें कोथमीर भी डाला था, आप भी डाल सकते हैं हरा धनिया, और ये चटनी भी रेडी है। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है ये, आप एक बार घर में ट्राई कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि कैसे बने हैं आपके ये पराठे। ये देखिए एकदम हम गेहूं के मेथी के पराठे, गेहूं के आटे में बनाते हैं ना, मेथी के, पालक के या पनीर के, वैसे ही है, लेकिन इनका स्वाद बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।